जय जय श्री राधे साई गौर हरि बोल। बहुत बढ़िया, मेरी आवाज आ रही है? और जी आज हम जी करते हैं मुक्ता चरित्र, अब शुरू करते हैं जी, अब शुरू करते हैं आगे मुक्ता चरित्र। गुरुदेव का ध्यान करके ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आजानुलंबित भुजौ कनकावतितौ संकीर्तनं पितरौ कमलायताक्षौ शंभरौ युग धर्मपालौ वंदे जगत प्रिय करुणावतारौ ज्ञानाञ्जनशलाकया कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो शिवैः नमो नमः। जय जय श्री राम करुणा कल्पतरुभ्यश्च कृपा ने बताया ऐसे ऐसे धक्का मारा दे दिया आदि आदि पगबंधन किए। तो ये धक्का चल रही थी, वो है कौन? वो है कौन? वही है पद्मा। अंत में बोले नहीं पद्मा तो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो राधा रमन लाल की जय। कृष्ण ने कहा वल्लभ लाल जय। मैं ही बता दूं हरी लाल की जय। तो कृष्ण ने बताया ये और कोई नहीं, ये विशाखा ही थी। चरित्र की जय। विशाखा दिशा ये तू ही थी, ज्यादा सीधी बन रही है, तैने ही सब गड़बड़ी करी है। जय जय। तो विशाखा को बड़ा क्रोध आया और उसकी बॉडी लैंग्वेज को देख के सब समझ गए कि ये तो हो ही नहीं सकती। और इसने हाँ धूर्त ने बड़ी हंसी उड़ाई उस पद्मा के साथ में, ये सब किया है कि नहीं किया है, मेरा नाम लगा दिया। रंग देवी खरगोशों ने बोली से अभी तक तो ये उसका प्रायश्चित कर रहा था, उसका प्रायश्चित क्या हो। अब बोले इसने एक गड़बड़ी और कर दी, कहने का मन नहीं। बोले झूठा आरोप लगा दिया विशाखा पर, विशाखा पर झूठा आरोप लगाया है। तो इस झूठे आरोप का भी एक प्रायश्चित होना चाहिए इसके ऊपर। बोले क्या प्रायश्चित होगा? लज्जा। तो ललिता ने कहा सुनो मधुमंगल, सुनो सुबल, तुम लोग सावधान हो, तुम्हारे इस कन्हैया पर, तुम्हारे मित्र पर रही, लेकिन ने पहले गड़बड़ी करी वो तो निपटी नहीं, अभी उसका प्रायश्चित निपटा नहीं, ये इसने और झूठा आरोप लगा दिया है। और झूठा आरोप लगाना कानून गुनाह है, चित्रा उसका भी इसको प्रायश्चित करना पड़ेगा। गोपी ने कहा, चित्रा ने कहा तुम हमारे ललिते जिनके पास संपत्ति कर रही हो, ये वास्तव का में ही देवेंद्र समझ लीजिए कि वो देवेंद्र मोती हैं, इनके पास देवों के इंद्र हैं, इनके पास पर्याप्त संपत्ति हो उनके लिए चार गुना कोई कह रहे दंड लगेगा। जिला अधिकारी है तो, और जो राजपुत्र हो उनके लिए छह गुना दंड लगे। इसलिए बोले धर्मशास्त्र में यही बताया गया है। बोली हरिचित्रा यह देवेंद्र है, और तो देवेंद्र बोली तो ऊपर रहते हैं, छह गुना नहीं, ये यहाँ पृथ्वी पर क्या कर रही है, राजपुत्रों के लिए बारह गुना प्रायश्चित माना गया, तो छह गुना कैसे कह रही है? यह जो देवेंद्र है यह तो देवेंद्र ही, अरे तू मेरे से ज्यादा पर रमणी, दूसरे की पत्नी पर किया भाव, पर रमणी में आसक्त है। बोले और इस
कारण जो इसकी पत्नी है देवेंद्र माने इंद्र, इंद्र की पत्नी शची देवी और भगवान कृष्ण के संबंध में लगाया चंद्रावली, बोले चंद्रावली ने इसको चरणों के आघात से देवलोक से नीचे फेंक दिया। तब यह परम सुखप्रद अपने भवन को त्याग कर परम सुंदर नवीन गोप रूप को धारण कर वृंदावनेश्वरी अपनी प्रेयसी श्री राधा जी का सेवक होकर यहाँ सुखपूर्वक समय बिता रहा है। ये देवलोक से आया हुआ है, ये हास्य का पात्र नहीं है, यह तो पृथ्वी लोक पर देवलोक से आया है, तो यह हमारा अतिथि है। और यह हमारा अतिथि है तो हमें इसका चाहिए, हमें इसकी इस प्रकार से हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। अब ये जो बात कही है कि ये देवेंद्र है और शची देवी ने इसको चरण आघात से और ये पर रमणी में आसक्त है, तो आगे इसी पर ही काफी देर तक वार्तालाप हो रहा है और वो कह रही है कि ये जो श्लोक तुमने पढ़ा है इसके एक एक शब्द का अर्थ हमें समझाओ, ऐसे नहीं चलेगा। बोले पूछो। आंदी मुखी ने कहा कि ये देवेंद्र कैसे है इसको बताओ। वृंदा ने कहा देखो देवेंद्र शब्द दो शब्दों दो उनसे मिला है, देव और इंद्र। देव माने जो विविध मनोहर विचित्र पीड़ा विलास करने वाले होते हैं उन्हें देव कहते हैं, और जिनके मुख पर विशेष तेज होता है उन्हें भी तेज देव कहते हैं। इंद्र के मुख पर भी तेज है और इंद्र भी विशेष अप्सराओं के साथ पीड़ा आदि करते हैं, और ये हमारे कन्हैया के मुख पर भी बहुत तेज है और ये तो बड़ी बड़ी क्रीड़ाएं करते हैं, सखियों के साथ तो करते ही हैं, ये दुष्टों का भी नाश करते हैं, गिरिराज को भी उठा लेते हैं, बहुत क्रीड़ाएं की हैं, तो इसलिए ये देवेंद्र सिद्ध होता है। बोले हाँ ये बात तो सही है, देवेंद्र शब्द सिद्ध होता है। बोले पर रमणी रत, जैसे तुमने कहा कि दूसरी स्त्री में आसक्त है तो इसका क्या अर्थ बैठता है। बोलते देखो पर का परमोत्कृष्ट और पर का अर्थ है अन्य, पर का अर्थ है विपक्ष, तीन अर्थ बैठते हैं। तो इन तीनों अर्थों को यदि लगा लें तो जो श्री राधा है वो एक तो पर स्त्री है, अभिमन्यु की पत्नी है, और विपक्षा है माने वाम नायिका है, दक्षिणा नहीं है प्रिया जी, और परमोत्कृष्ट तो वो है ही है, समस्त ब्रज मंडल की रमणियों में वो परमोत्कृष्ट है। श्री राधा में जो परमाशक्त है और जो उसको रमण कराता है वह पर रमणी रत है, तो हमारे श्याम सुंदर श्री राधा को रमण कराते हैं, आनंद कराते हैं, खेल खेलते हैं, तो वो पर रमणी रत है, तो पर रमणी रत का शब्द भी कृष्ण पर हो गया। चंपकलता बोली कि ठीक है फिर शची, शची का भी अर्थ करो।
तो चंडिका देवी की परिचर्या में लगी रहने से वे देवी कहलाती है और देव की पत्नी भी देवी कहलाती है, अथवा अमंगल में भी मंगल समान व्यवहार से वो देवी कहलाती है। लोक में कोई स्त्री यदि उसको हम प्रणाम करें तो भी वो सामान्य रहे और उसको हम कुछ भी कहें तो भी वो सामान्य रहे, उस पर कटाक्ष करें तो भी वो सामान्य रहे, तो हम लोग भी कहते थे अरे भैया वो महिला तो, वो औरत तो एकदम देवी है, देवी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो देवी है। तो भैया ऐसी देवी कौन है? फिर विशाखा ने कहा इस प्रकार की देवी तो चंद्रावली हो सकती है। सभी गोपियां मुस्कुराने लगी। तो नंदी मुखी ने कहा मान लो उस देवी ने, शची देवी ने चरण प्रहार कर दिया तो ऐसे तो कैसे हो सकता है, इधर से तो आप बता रहे हो कि वो देवी है और उधर से उसने चरण प्रहार किया है, तो ये तो ऐसे हो गया जैसे काने का नाम पद्मलोचन, ये तो उसकी नीचता से तो हो रही है। अच्छा उसका भवन कौन सा है ये भी बताओ। परम सुखद कुंज है चंद्रावली, तो जो परम सुख का गलन करता है, परम सुखद के दो अर्थ है, एक परम सुख को देने वाला और परम सुख का दलन करने वाला, तो उसकी जो कुंज है वो परम सुखद है और वो सखी स्थली निकटवर्ती है, सखियों के पास है। उस परम सुख को दलन करने वाले भवन को छोड़ के ये देव यहां आ गया है। बोले नांदी मुखी ने कहा चित्रंदा चित्रा तू ऐसी व्याख्या कर रही है, ठीक है हम उसको मान ले रहे हैं, बाकी तो कमाल ही कर रही है, उल्टे का सीधा अर्थ, सीधे का उल्टा अर्थ और कृष्ण को देवेंद्र बनाने पर तुली हुई है। बोले अच्छा फिर बताओ नीन गोपत्ता भी का क्या अर्थ है? बोले जो वेणु सींग लकुटी गोदोहन की रस्सी गैरिक चित्र नए नए मयूर पंख मोर पंख गुंजा हार एवं एवं वन्य श्रृंगार करता है, नटवर वेश धारण करता है, उसे ही नवीन गोप कहते हैं। और नवीन इसलिए है कि कभी भी हम देखें तब वो नवीन ही लगता है। वो इधर उधर भ्रमण करता है इसलिए उसको पुरस्करण कहते हैं। लीला कमल चुंबन अशोक लता का दंशन निरुपम गोलाकार अनार का समालिंगन पूर्वक जो हास्य करता है, जो आकर्षित करता है, वह भी देव है। ये सारे गुण हमारे कृष्ण में विराजमान है और ये कृष्ण यहाँ पर विराजमान है और सदैव उस श्री राधा के साथ विलास में तत्पर है। तो ये देवेंद्र हुए कि नहीं हुए? पक्के देवेंद्र हैं ये, तो तुम इनकी खामखा हंसी उड़ा रही हो। तो भगवान थोड़े प्रसन्न हुए, बोले चलो इन्होंने हंसी भी काफी उड़ाई लेकिन मेरे को इंद्र से मिला दिया और मेरे को देवेंद्र बना दिया, कोई बात नहीं, सखियां समझदार हैं। तो मन ही मन कृष्ण प्रसन्न होकर बोले
तू वृंदा, तू तो मेरे वृंदावन बगीचे की रक्षा करने वाली पहरेदार है। तू वृंदा है, वृंदावन की अधिष्ठात्री है, वृंदावन की पहरेदार है, तू तो मेरी सेविका है, तू इनके साथ कैसे मिल गई? मधुमंगल बोला, प्रिय मित्र, ये जो पहरेदार है ना, ये छाछ और भात इसको खाने के लिए मिल गया है। थोड़ी सी छाछ और भात के लालच में इन गोपियों की गृहपालिका बन गई है, अब इनके घर का काम काज करती है। अब ये हमारे वृंदावन की रक्षा नहीं करती। वृंदा ने कहा, अरे ब्राह्मणाभास, ब्राह्मणाभास का मतलब तू ब्राह्मण का आभास ही है, ब्राह्मण जैसी कोई बात तो तेरे में है ही नहीं। और कटुवटु माने कटु वचन बोलने वाला, तू खाम खा ही टर टर करता हुआ मेंढक की तरह सबको परेशान कर रहा है। अब ये सब इतनी चर्चा हो गई, अब आपको ध्यान हो कि मल्ली और भृंगी दो पत्र लाई थी। पहले पत्र में तो उन्होंने ये कहा था कि हम मालकिन हैं वृंदावन की और हमें कर दिलवाया जाए जमीन का। अब बीच में ये सब जो है वाग विलास और भैंसबाजी हो गई, तो मल्ली ने कहा, देवी ललिते, स्वामिनी राधा ने दो पत्र भेजे थे, आपने एक पत्र में ही इतना समय लगा दिया, क्या आप दूसरे पत्र को भूल गई हैं? तो ललिता ने कहा, हाँ 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 मैं तो भूली गई, उसमें क्या लिखा है जरा याद तो दिला। बोले उसमें ये लिखा है कि यदि श्याम सुंदर या कोई भी तेरे निर्धारित कर को न दे और तर्क को तर्क करके विरोधी आचरण करे, तो उस व्यक्ति को बांधकर शीघ्र मेरे समीप ले आओ। ललिता ने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये मधुमंगल ही कर देने का विरोधी है, इसे लता पाश से बांध कर, और ऐसा करो इसको प्रिया जी किशोरी जी के पास मत ले जाओ। तो फिर कहाँ ले जाए? बोले इसे जटिला और अभिमन्यु के पास ले जाओ। जटिला राधा जी की सास हैं और अभिमन्यु राधा जी के पति हैं, या कुटिला, जटिला बहन है संभवतः, जटिला कुटिला, यावट ग्राम ले जाओ और इससे अपना कर वसूल कर ले। मधुमंगल तो डर गए और कृष्ण से बोले, अरे कन्हैया, अरे मुझे को याद आ गया, मेरे घर में कुछ ना जरूरी काम है, मेरे को तो मैया ने कहा था लाला तू आज जल्दी आ जाइयो, मैं तो भूल गया तुम्हारे चक्कर में, मैं जरा घर होके आता हूँ, मैं घर जा रहा हूँ, मैंने घर होके आता हूँ, अभी आया, मैं अभी आया, कोई चिंता की बात नहीं है, मैं अभी आता हूँ, घर से होके आता हूँ। तब फिर कृष्ण ने कहा, अरे ब्राह्मण तुझे धिक्कार है, अरे मैं बैठा हूं तू इतना क्यों डर रहा है, मेरे होते सोते ये गोपियां क्या तेरे को बांध के ले जाएंगी? मधुमंगल बोला, अरे महावीर अब यहाँ ज्यादा ऊंची ऊंची मत फेंको, मैंने गोवर्धन की दान घाटी में अनेक बार तेरी वीरता का अनुभव किया है, अनेक बार इन सखियों ने मेरे को बांध दिया है वहां पर और तेरे को भी बांध दिया है, तो तू अब ज्यादा यहाँ बात मत बनाए, ये गोपियां अपने उत्प्रिय वस्त्र से बांध कर मुझे ले जाने आ रही हैं, पहले भी ये मेरे को बांध कर ले गई थी, वो तो जैसे कैसे मैंने अपने ब्रह्म तेज से अपने आप को बचा लिया था, तूने क्या किया था?
तूने कुछ किया थोड़ी, तू तो खड़ा रहा वहां, हंसता रहा, माखन खाता रहा, लड़कियों को छेड़छाड़ करने में लगा रहा, वो तो मैंने ब्रह्म तेज से अपने आप को बचा लिया। इतना कहकर मधुमंगल भागने का नाटक करने लगा। तब मधुमंगल का हाथ पकड़कर कन्हैया ने उसको लौटा लिया और कृष्ण ने कहा, ललिते उस सुकुमार अबला जो बल से रहित है श्री राधा, उसको मैं कर दूंगा या मैं उससे कर वसूलूंगा, तुम क्या कह रही हो? उस अबला को कर लेने वाला तो दबंग होता है और वो अबला एक सुकुमार कोमल सी किशोरी, वो कर लेगी मेरे से कि मैं कर लूंगा? तो यह सुनकर ललिता तिरछी आंख से देखकर मुस्कराने लगी। नांदी मुखी फिर वही अपने वाग विलास पर आ गई, बोले अरे छोड़ो तुम, तो वो चल रहा था ना जो श्लोक, उसमें वाटिका का अतिथि शब्द आया है, उसका रहस्य बताओ, वाटिका का अतिथि कैसे हुए ये? नांदी मुखी इस रहस्य को जानकर भी, इस रहस्य को जानकर भी तुम क्यों पूछती हो? क्योंकि यह सदा वास स्थान महावन त्याग कर 6-7 वर्ष की आयु में ही यहाँ गया है। इसका जो मुख्य स्थान है, इसका जो घर है, वह महावन है और महावन से ये यहाँ आ गया है। यहाँ आ गया है तो यहाँ का ये अतिथि है, ये इसकी जन्मभूमि तो है नहीं। बोले फिर उसको छोड़ के क्यों आया? बोले छोड़ के इसलिए आया, ग्राम नगर के समान विशाल था, बड़े बड़े शहर, बड़ी बड़ी वहां पर बिल्डिंगें थी, तो वहां इसको स्वच्छंदता नहीं थी। और फिर वहां पर ये जो सखियों के साथ वन में, कुंज में, निकुंज में छेड़छाड़ करता है, दूध दही के मटकियां तोड़ देता है, माखन चुरा के भाग जाता है, इन सब चीजों की वहां पर पूर्ति इसकी नहीं होती थी। वहां पर ये यमुना में स्नान करती हुई कुल ललनाओं के वस्त्रों का भी अपहरण नहीं कर सकता था। यहाँ तो एकांत है, ग्राम प्रांत है, वन ही वन है, कुछ गिने चुने परिवार यहाँ रहते हैं, इसलिए ये वहां से छोड़कर यहाँ आया है। क्योंकि वहां से छोड़कर यहाँ आया है तो ये यहाँ अतिथि है। बोले अच्छा, राधा के यह वचन सुनकर ललिता ने नांदी मुखी कहने लगी, हे ललिते, इसका वैसा व्यवहार तो नहीं दिखाई देता। राधा पुनः धीरे से कहने लगी, तुम सत्य कहती हो, अब यह कृष्ण अपने धर्म का त्याग करके जो इन्होंने गड़बड़ी की है, उस सब का जो पाप किए हैं इन्होंने प्रायश्चित कर लिया है और अब ये किसान बन गया है और किसान बन के ये धन धान्य को उत्पन्न कर रहा है और ये उन सब गोपियों को आनंदित भी कर रहा है और अब ये पवित्र हो गया है।
राधा के इन वचनों को सुनकर विशाखा ने कहा, विशाखा आदि संपूर्ण कोलाहल करने लगे। तब मैंने सुबल से, तब श्री कृष्ण ने सुबल से कहा, सुबल तुम थोड़ा सावधान हो। बोले कैसे? बोले तुम थोड़ा ध्यान रखो। क्या ध्यान रखो? बोले ये सब हंसी मजाक करके, ये मेरी झूठी मूठी प्रशंसा करके, ये मेरे वृंदावन राज्य के आधिपत्य को बिल्कुल समाप्त कर रही है। वो बोले, सुबल बोले, कन्हैया तुम समझो, हमारा आधिपत्य ही नहीं समाप्त कर रही है, ये जो है ये जो है तुम्हें किसान भी बना दिया है इन्होंने, तुम्हें राजा से किसान बना दिया है इन्होंने। कहाँ घूम रहे हो तुम? तो बंदा ने कहा, बहुत पंडित हो, अपने साथ मिलकर मीनाक्षी, श्री राधे, आपकी आवाज आ रही है, म्यूट करिए। श्री राधे जी, आप म्यूट करिए, आपकी आवाज आ रही है बच्चों के साथ बोलने की। जी जी, म्यूट कर दीजिए। वो गुरुदेव शायद ब्लूटूथ से कनेक्ट है इसलिए म्यूट नहीं हो रहा, मैं कर रही हूँ, एक मिनट आप शांत रहिए फिर, है ना, फिर बोलिए मत, क्योंकि आवाज क्षमा गुरुदेव, अंदाजा नहीं था, क्षमा करें। कोई बात नहीं, कोई बात, कोई बात, सब चलता है। तो फिर वही बात आ गई, सबल बोला, कन्हैया ये राज्य इन गोपियों का हुआ कैसे? पहले तो ये ललिता बताए कि उसका राज्य कैसे, क्योंकि ललिता आदि सब सखियों ने सुबल के ऊपर फिर से भार दे दिया। सुबल देखो, तुम उचित न्याय करो, जी कहती हैं कि राज्य मेरा है, कृष्ण कहते हैं राज्य मेरा है, तुम प्रिया जी के भाई हो और कृष्ण के तुम मित्र हो, सखा हो, परम प्रिय सखा हो, तो तुम दोनों के हितकारी भी हो और न्याय को भी जानते हो। अब तुम निश्चित करो कि वास्तव में राज्य किसका माना जाए। तो फिर सुबल जज बन गए। सुबल ने कहा बिल्कुल ठीक है, ऐसा करते हैं, पहले ये सब गोपियां बताएं कि प्रिया जी का, किशोरी जी का राज्य है, इसका प्रमाण दें, वो लाइए, सबूत लाइए, और जब ये बता देंगे मैं सुन लूंगा, तो फिर हे कन्हैया आप भी बताना ये राज्य कैसा है, जो है अपने प्रमाण लाइए, सबूत लाइए। तब कृष्ण बोले, सुबल अपनी अज्ञानता के कारण जिन ब्रज देवियों के संग से मैं अपराधी हुआ और अब मैं प्रायश्चित के द्वारा शुद्ध भी हो गया हूं, अब फिर मैं इनके साथ कैसे बहस करूं, फिर इनसे उत्तर करूं, प्रत्युत्तर करूं? तो वृंदा बोली, हे महाशुद्ध, हे महाशुद्ध, आपके वचन गंध मात्र से ही इन गोपियों में कलुष सकू उत्पन्न होने पर, तुम्हारे बोलने से ही इनमें कलेश पैदा होता है, इन गोपियों को हमारी प्रिया जी ने महातीर्थ में स्नान करा कर शुद्ध कर दिया, अब ये गोपियां तथा आप दोनों ही प्रायश्चित से शुद्ध हो चुके हैं,
इसलिए अब तुम बातचीत करने में कोई अशुद्धि होने का भय नहीं है, तुम भी शुद्ध हो, गोपियां भी शुद्ध हैं। तब फिर हे ललिते, सुबल ने कहा पहले तुम वर्णन करो कि ये राज्य तुम्हारा कैसे है। पिता ने कहा सबसे पहले तो इस राज्य में मिथ्यावादी धूर्त का कोई आधिपत्य नहीं है। मिथ्यावादी धूर्त माने कृष्ण। बोले वह कैसे? बोले अरे आप सब जानते हो इनके पिता पितामह सब महावन में थे, महावन के राजा थे, महावन में राज करते, वृंदावन में कहां से आए? पिता का राज्य महावन में और बेटे का राज्य वृंदावन में कैसे हो सकता है? कुल परंपरा से ही तो गति मिलती है। तो नांदी मुखी ने कहा इसमें क्या प्रमाण है? तो ललिता ने भागवत आदि के, पुराण आदि के बहुत सारे प्रमाण दिए। फिर सुबल ने कहा ललिता देखो तुमने मेरे को जज बनाया है, मैं न्यायाधीश हूं, मैं गड़बड़ी नहीं करूंगा, लेकिन यदि तुम ये कहती हो कि के पिता पितामह महावन के राजा थे, ठीक है मान लो महावन के राजा थे, ये वृंदावन का राजा नहीं है, इसका अर्थ ये थोड़ी हो जाता है कि वृंदावन तुम्हारा हो गया। अरे मान लिया कि ये वृंदावन का राजा नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम वृंदावन के राजा हो, तुम भी नहीं हो, बात खत्म, न ये राजा न तुम राजा, तुम अपना प्रमाण दो इसके राजा ना होने से तुम राजा हो जाओ, ये तो कोई बात नहीं है। इतना सुंदर तर्क दिया। ललिता बोली कि प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रकार के प्रमाण हैं। नांदी मुखी ने कहा कि ठीक है बताओ प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है। देखो ये सखियां जो है ना, कल भी हमने चर्चा की थी, ओहो समय हो गया, चलिए दो चार मिनट में विश्राम देता हूं। ये जो सखियां हैं तीन प्रकार की है, एक है सम स्नेहा, एक है राधिका स्नेहा और एक है कृष्ण स्नेहा, कृष्ण स्नेहा मतलब कुछ भी बात हो उनका कृष्ण में स्नेह अधिक होता है, जैसे नांदी मुक्ति है। कुछ ऐसी हैं जिनका स्नेह राधिका में होता है और कुछ ऐसी हैं जो सम स्नेहा है, मतलब कभी तो जब वो देखती हैं कि राधिका का पलड़ा ढीला पड़ रहा है तो राधिका की तरफ से जोर लगाने लग जाती हैं, और कभी वो देखती हैं कि कृष्ण का पलड़ा ढीला पड़ रहा है तो कृष्ण की तरफ से जोर लगाने लग जाती हैं। आप इनको ध्यान से सुने, कभी तो वृंदा जो है कृष्ण के विरोध में बोलने लग जाती है और कभी कृष्ण के पक्ष में बोलने लग जाती। तो अभी नांदी मुखी तो शुरू से ही कृष्ण स्नेहा दिखा है, तो बोले प्रमाण क्या है? तो ललिता बोली मैं ही क्या बताऊं, तुम अनुभव नहीं कर रही हो क्या? नांदी मुखी ने कहा मुझे नहीं हो रहा है अनुभव, सीधी सीधी बात करो अनुभव क्या होता है? ललिता ने कहा ब्रह्मा की पत्नी सावित्री आदि देवी गण में दुदुभी आदि बजाकर यही रत्नाभिषेक किया था, उस समय त्रिलोकी में किसको परमानंद नहीं प्राप्त हुआ था? श्री राधा के राज्याभिषेक से तीनों लोक परमानंदित हुए थे। तो फिर इस बात का प्रमाण क्या चाहिए? अरे सुबल बोला कि ललिते तुम तो वही पुरानी बात ले आई, अरे उनका अभिषेक हुआ था और उनका अभिषेक के लिए कृष्ण ने पहले ही कह दिया है कि वो सब उसके अधीन हो, कृष्ण के नेतृत्व में तुम्हारा वो सम्मान हुआ था, तुमको राज्याभिषेक किसने किया था? राजा तो मैं बैठा हुआ था उस समय, मेरे इशारे पर ही तो सारा अभिषेक हो रहा था, मैंने ही तो ब्रह्मा को बुलाया था, मैंने ही तो ब्रह्माणी को अभिषेक हुआ था, ये तो सब ठीक है,
लेकिन राजा तो मैं ही हूँ, तुम रानी हो, लेकिन अधीश्वरी कैसे बन गई? नंदी मुखी बोली, ललिते इन राजपुत्रों ने जो प्रलाप किया है वह इस विषय में प्रमाण हो ही नहीं सकता, अतः कोई और प्रमाण हो तो उसे दिखाओ। ललिता जो जो प्रमाण दिखाती हैं उन सबको राजपुत्र का पक्ष लेकर सुबल तुम खंडन कर रहे हो, इसलिए और किसी प्रमाण को ललिता दिखा नहीं रही है। तो नांदी मुखी ने कहा, अरे सुंदा, यदि ललिता को क्रोध आता है, ललिता प्रमाण नहीं दिखा रही है, तो तुम ही प्रमाण दिखा दो। तब बंदा ने कहा, असाधारण स्वरूप का दान करते हुए यह वृंदावन जो है राधा की प्रिय सखी के रूप में कहा जाता है, जो राधा है वही वृंदावन है, तो जो राधा है वही वृंदावन है, तो वृंदावन की अधिष्ठात्री कौन हुई? राधा ही तो हुई, क्योंकि शास्त्रों में अनेक स्थानों पर जैसे राधा कुंड और राधा रानी, भगवान कृष्ण को जितनी राधा रानी प्रिय है उतना राधा कुंड प्रिय है, ऐसे ही जितना जो स्वरूप प्रिया जी का है वही स्वरूप वृंदावन है, वृंदावन साक्षात राधा रानी ही है ऐसा कहा जाता है। तो जब साक्षात राधा रानी है तो उसकी रानी राधा रानी कैसे नहीं हुई? अब बोली, ठीक है, सारूप्य कहा जाता है, तो वो सारूप्य कैसे है तुम सिद्ध करो कि वृंदावन ही वृंदावन है, इस बात को आप सिद्ध करिए। बोले, अब ये भी सिद्ध करना पड़ेगा? बोले, बिल्कुल करना पड़ेगा, आप हमें समझाइए कि कैसे है, कहा तो जाता है लेकिन ये समझाना तो पड़ेगा। बोले, ठीक है, तो फिर आप ध्यान से सुनिए, मैं आपको समझाती हूँ। राधा रानी की शरीर की जो जो सुंदरता है ठीक वैसी वृंदावन की सुंदरता है, और बिल्कुल इन दोनों का स्वरूप एक जैसा है, मैं आपको बताती हूँ। तो अब हमें भी आज कुछ अधिक ही हो गया, तो ये बताएंगी और मैं आपको बताऊं कि कुल 58 प्रश्न हैं ग्रंथ के, आज हम 40 प्रश्न पर आ गए, मतलब लगभग लगभग 60 माने तो 70% ग्रंथ हो गया है। 4-6 दिन में फिर और आनंद लेते हुए हम इसको पूरा करेंगे। तो सुंदर वर्णन चल रहा है बीच बीच में, क्योंकि गौड़ीय वैष्णवाचार्य विद्वान है, लीला में भी तर्क वितर्क श्लोक श्लोकों के अर्थ जाने क्या क्या घुसा देते हैं, जिससे रसिक व्यक्तियों को तो खूब आनंद आता है, हम लोगों को पता नहीं कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, फिर भी एक नया विषय हम लोगों के अध्ययन के लिए मिल रहा है, सुंदर चल रहा है। और अंत में देखो मोतियों का होता क्या है, वो मोतियों वाली बात तो वही रह जाती है कि भैया मोतियों के मूल्य का क्या हुआ, ये फर्क चल रहा है अभी तक, ये अंतिम दिन ही पता चलेगा, चल जाएगा, आप भी आनंद लेंगे, हम भी आनंद लेंगे। We'll be right back.